नमस्कार दोस्तों, गूगल शीट्स ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है और अपने डेटा को फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे कुछ और फॉर्मेटिंग हो, तो आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं, जिसको हम जानते हैं पेंट फॉर्मेट के नाम से भी, आप उसे फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो पहले डेटा पड़ा है उसके बेसिस पे आप दूसरे जो और आपके डेटा आने वाले हैं उनको किस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके सेम फॉर्मेट दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे, और बेल आइकन पर जरूर हिट करें ताकि आपको इसका रियल टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने देखा होगा मैं लगभग 8 बजे के आसपास ही रोज शाम को अपडेट करता हूँ वीडियोस, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें तो आपको सही टाइम पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखोगे मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके बेसिस में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं या पेस्ट स्पेशल एज फॉर्मेट करके यूज कर सकते हैं, और शॉर्टकट भी किस तरीके से आप यूज करते हैं। ये तीनों चीजें मैं इसे बताऊंगा आपको। तो आप देखोगे सबसे पहले तो आपको क्लियर करना सिखाता हूँ किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कुछ और अप्लाई कर रखा है तो किस तरीके से आप क्लियर करोगे। तो अब सबसे पहले आप जा सकते हैं फॉर्मेट में, जाएंगे आप फॉर्मेट जो मेन्यू बार है उस पर, और लास्ट में देखेंगे आप एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका जो डेटा है, जो फॉर्मेटिंग है उस डेटा पे, वो सारा हट जाता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे जो पहले लगा हुआ था वही वापस आए, तो मुझे कंट्रोल डिलीट नहीं करना है। कंट्रोल डिलीट मत सोचिए, अब कंट्रोल डिलीट कर दूंगा तो वापस आ जाएगा, ये ठीक है, मैंने अभी किया फिलहाल के लिए। तो मेरे पास अगर कुछ ज्यादा डेटा है और इस तरीके का है तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। मैंने कुछ डेटा यहाँ पे पहले बना रखा है, आप देखोगे ये 3 कलर जो मैंने पहले कर रखे थे सेम ही कलर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बेसिस पे वो कलर हो, तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई करना है। एक तरीका यह है कि मैं इसको कॉपी करूं इस सेल को, और पूरे रेंज पे क्या करूं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करना है मुझे, और पेस्ट स्पेशल में लास्ट में जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग ओनली। क्लिक करता हूं मैं तो आपका जो फॉर्मेटिंग है सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही अप्लाई हुआ है। अब मेरे पास बॉर्डर नहीं है इसपे, है ना, ताकि मुझे कंप्लीट चाहिए। तो एक बार और मैं कर सकता हूँ, अगर मैं क्या करूंगा राइट क्लिक करता हूं और इस बार जाकर मैं फॉर्मेट ओनली करता हूं, नहीं आया क्योंकि एक आया, एक ही सेल में हुआ है, ये एक सेल में ही होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको सेलेक्ट करना है इस वाले सेल को, और आपको शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की सेलेक्ट करना है, जैसे इस तरीके से, तो आपको जो पूरा डेटा है वो सारा बॉर्डर आपका एक साथ लग जाएगा इस तरीके से। तो यह है सबसे आसान तरीका, आप एक साथ सबको बॉर्डर कर सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैंने कितने स्टेप लिए, दो स्टेप में मैंने पूरा फॉर्मेटिंग कर दिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो गया और मेरा बॉर्डर भी आ गया। अगर आप बोलते तो क्या करते हैं, पूरे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर बॉर्डर लगाते हैं, तो इस जो टाइम है इन टाइम्स को सारा एलिमिनेट कर देता है। हाइड अनहाइड एंड ग्रुप अनग्रुप, हम इसके बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तो आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, किस तरीके से अनग्रुप कर सकते हैं, किस तरीके से अनहाइड कर सकते हैं, और क्या इनके यूसेज हैं। ठीक है, तो हमने अब तक बहुत सारी चीजें सीख ली, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।